हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी में जो एक चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है जेड स्कीम को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आज मैं वो डायग्राम आप सबके साथ शेयर करूंगी और उसे समझाऊंगी। तो देखिए, डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये जो है, इसमें फर्स्ट ये है क्लोरोफिल ए, जो है पी एस सेकेंड, ये इसका सेंटर में होता है क्लोरोफिल ए, और ये साइड में दिखाया हुआ है एसेसरी पिगमेंट्स। तो एसेसरी पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स, ये सारी एसेसरी पिगमेंट्स हैं। तो जब फोटोसिस्टम सेकेंड के ऊपर सनलाइट आती है तो उस लाइट की वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से ज़्यादा हो या उसके इक्वल हो, 680 नैनोमीटर से कम हो या उसके इक्वल हो, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है और इसे कहते हैं हम अपहिल मूवमेंट। और उसको प्राइमरी एक्सेप्टर है जो इलेक्ट्रॉन का, वो है फायोफाइटिन, या फिर इसको हम क्विनोन भी कह देते हैं। तो उसके बाद ये जाएगा प्लास्टोक्विनोन के पास, तो प्लास्टोक्विनोन इसको पास ऑन कर देता है साइटोक्रोम B6 को। अब साइटोक्रोम B6 एक ATP सिंथेसाइज करता है और इलेक्ट्रॉन आगे देता है साइटोक्रोम BF3 को। उसके बाद ये जाता है प्लास्टोसाइनिन को। उसके बाद ये आ जाता है फोटोसिस्टम 1 पे, और फोटोसिस्टम 1 पे सनलाइट आती है तो भी इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है। तो इसमें सनलाइट आनी चाहिए ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर, और ये ज़्यादातर इवनिंग टाइम में भी काम करता है। ये बहुत स्ट्रोमा एंड ग्रेना लैमिले में होता है, और जो ये पीएस सेकंड है ये सिर्फ ग्रेना लैमिले में होता है। तो उसके बाद पीएस वन के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है, प्राइमरी एक्सेप्टर है जो पीएस वन का, वो है फेरोडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, इसकी शॉर्ट फॉर्म है FRS, और हम इसे कह देते हैं आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, दैट इज़ FES कॉम्प्लेक्स। उसके बाद भी जाता है फेरिडोक्सिन के पास, तो फेरिडोक्सिन एक वो इलेक्ट्रॉन को लेके ADP को ADPH में कन्वर्ट कर देती है, और जो ये H आता है यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन भी होता है, उससे दो H आयन और एक इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होता है, और ये इलेक्ट्रॉन वापस PS सेकंड में चला जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन की कमी ना हो, तो ये उस इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कर देता है। और ये जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ आउट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मतलब ये क्लोरोप्लास्ट से बाहर चली जाती है, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं होता। फिर उसके बाद ये इसने एक NADPH सिंथेसाइज कर दिया, और कभी कभी होता है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन का प्रोसेस होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन ADP को नहीं देता बल्कि फेरोडोक्सिन से सीधा प्लास्टोक्विनोन के पास आ जाता है, और इसमें एक ATP भी सिंथेसाइज होता है। तो ये जब होता है अगर सिर्फ PS सेकंड नॉन फंक्शनल हो और सिर्फ PS1 ही काम कर रहा हो, तो ऐसे में ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन होता है। तो इसमें मैंने आपको ये पूरा समझा दिया डायग्राम, और होप आप सबको ये समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, और हमारे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।